सबसे फन पार्ट, मैं हमारे टेरेंटुला स्लिंग को अभी फीड करने वाला हूँ। तो चलिए आज भी थोड़ा एंजॉय करते हैं फीडिंग। वाह यार, ये बहुत ही अच्छी तरीके से शिकार कर रहा है। सही पकड़े हैं। आज इसने बहुत ही प्रॉपरली पकड़ा है फेस की तरफ से। अब तो चलिए हमारे स्ट्रिंग को खाने देते हैं। तो गाइस मैं आ गया हूँ नीचे हमारे सिकलेट और दिनेश के टैंक के यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे दिनेश की हालत कैसी है और वो फीड ले रहा है कि नहीं। हम देखेंगे कि वो फीड लेता ही नहीं क्योंकि मैंने कल से उसको फीड नहीं किया है। तो ये रहा हमारा दिनेश, बहुत ही हेल्दी दिख रहा है अभी। अचानक से कल मुझे सच में पता नहीं कि इतना पानी में गंदा कैसे हुआ। ऐसे दिख रहा था, ऐसे लग रहा था कि पानी में किसी ने कुछ तो जेल जैसे कुछ डाला है, वाइटिश क्रीम जैसे डाला है। तो वो सारा पानी में एकदम से तुरंत सुबह ठीक था, लेकिन एकदम से अचानक थोड़ी देर बाद इतना क्लाउडी, मुझे तो अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ है और नहीं हुआ था, अभी हुआ है। और इसको भी मैंने कभी ऐसे नहीं देखा था। तो कल बहुत बहुत मुझे टेंशन आ रहा था कि इसको कुछ हो ना जाए। तो अभी वो हेल्दी है और अच्छे से मूवमेंट है उसकी। तो अभी उसको खिला के देखेंगे और मेरे क्यूटी पाइज को भी खिला के देखेंगे। तो मेरी राह देख रहे हैं और ऐसे भी ये जब भी आओ तभी ये खाना ही मांगते रहते हैं। तो अभी इनको भी खिलाना है और उसको भी खिलाएंगे। तो चलिए खिलाते हैं इनको खाना। ये निकाल दिया है मैंने खाना इनका और ये देखिए कैसे सारे ऊपर आ गए। इनको पता है ना इनको फीड करता हूँ, तो ये मुझे बहुत ही अच्छे से पहचानते हैं। तो देखिए स्पीड सबका, ये मैं हर बार करता हूँ। अगर आप मेरे पहले से वीडियो देखते आ रहे होंगे तो मैं ये हर बार करता हूँ। टैपिंग जरूरी है। तो अब बारी है हमारे दिनेश को खिलाने की, इसलिए खिलाते हैं। ये देखिए उसको पता चल गया है कि मैं उसको फीड करने वाला हूँ। तो ये देखिए कैसे ऊपर आ रहा है, देखिए वो आ रहा है। ये अच्छी साइन है। स्पीड तो कम हो गई है नो डाउट, क्योंकि इतने टाइम में तो ये सारा खत्म कर देता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि वो खा रहा है, खाने से वो अच्छे से रिकवर भी हो जाएगा। और कलर से तो समझ में आ रहा है कि वो ज्यादा स्ट्रेस में नहीं है, तो ये अच्छी बात है वो खा रहा है। लेकिन देखूंगा अभी थोड़ी देर के लिए, मैं उसको मॉनिटर भी करूंगा कि कैसे उसकी मूवमेंट्स है, क्या है। बहुत धीरे धीरे खा रहा है, पता नहीं यार। उसको निकाल दिया यार, क्या हुआ है इसको? देखो तो इतना मुंह में भर लिया है लेकिन स्पिट कर रहा है। मत करो यार ऐसे। देखूंगा अगर आपको पता है कि ये क्या चीज हो रही है, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं मुझे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो भी मैं शाम को जरूर अपडेट दूंगा कि इसने खाना खत्म किया है या नहीं। तो चलिए अब देखते हैं हमारे बाकी के पेट्स। उसकी मुंह में देखिए यार कुछ अलग ही है, खा रहा है स्पिट कर रहा है, खा रहा है स्पिट कर रहा है। ये देखिए कुछ खा तो नहीं लिया भाई तुमने? चलिए यार कोई बात नहीं, देखते हैं उसके मूवमेंट्स के ऊपर समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में। अरे यार इसे देखिए वापस ये अभी नीचे जाके बैठी है। 100% इसको एक बाइट नहीं हुआ है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इनका बॉक्स ही निकाल दूँ ताकि ये ब्रेड ना करे और ये प्रॉब्लम ना आए इसमें। तुम इसका एक अभी परेशान हो गया हो यार। ये रही मेरी जान टीरेक्स, कैसे बैठा है देखो। यहाँ पे अभी धूप नहीं है तो बहुत ही आराम से बैठा है। और कल के आपने वीडियो में देखा ही होगा कि ये बहुत ही अच्छा कॉपरेट कर रहा था मेरे साथ और इसको मैंने हाथ में उठाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो वो ज़रूर देखे, क्योंकि कल हमने इसको बाहर निकाला था और आज भी इसको निकालूंगा लेकिन वीडियो शूट नहीं करूंगा। इसको आदत लगानी है हाथ में उठाने की। तो यहाँ पे बैठे हैं बात करते हुए हमारे टीरेक्स भाई साहब। देखिए माइल्ड धूप है यहाँ पे, ज़्यादा धूप नहीं है, गर्मी है तो वो उसी का फ़ायदा उठा रहा है। ज़्यादा धूप नहीं है, देखिए यहाँ पे एकदम थोड़ी सी धूप है और यहाँ पे छाव है। तो
तो अभी यहाँ पे धूप आएगी तो वो यहाँ पे आके बैठेगा जहाँ पे ज्यादा धूप नहीं होती है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है समर सीजन चालू हो गया है, तो अभी धूप बहुत हार्श होती है जिससे कि उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और उसको फ्री हैंड है कि जब भी चाहे वो अंदर जा सकता है और जब भी चाहे वो यहाँ पे आके बैठ सकता है, तो इसमें कोई रोक टोक नहीं, ये अपनी मर्जी से बाहर आएगा, धूप लेगा और अपनी मर्जी से अंदर जाएगा। तो मुझे इस पानी का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना पानी नहीं अच्छा है इतना निकलेगा तो, क्योंकि पॉन्ड की लेवल आप देख सकते हो अभी रिसेंट हमने भरा था और पॉन्ड की लेवल कम्प्लीटली नीचे जा चुकी है, ऑलमोस्ट बस 6 से 7 इंच का पानी होगा। और आप देखिए पानी की क्लियरिटी अच्छी है, पानी अच्छा हो चुका है, एकदम क्लियर हो चुका है। जैसे कि आपने परसों की वीडियो में देखा था कि पानी जो था वो बहुत ही गंदा हुआ था, लेकिन आज क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पानी की लेवल जो है वो बहुत ही नीचे जा चुकी है, क्योंकि हमारा जो पानी है वो फिल्टर से लीक हो रहा है और उसकी वजह से पानी की लेवल बहुत ही नीचे जा चुकी है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। तो इसको वापस भरना पड़ेगा और हमारे टर्टल्स भी बास करने के लिए ऊपर नहीं आ सकते, तो इसको किसी भी हाल में भरना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो बास्किंग एरिया का डिस्टेंस है वो और पानी की लेवल देख सकते हो, हार्डली उसको टच हुआ है, तो ये अच्छी बात नहीं है। और हमारे टर्टल्स भी देखिए कितने क्लीन और क्लियर दिख रहे हैं, पानी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हुआ है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर। और आप देख सकते हो कि धूप की वजह से अभी एलगी भी ऊपर नहीं है, क्योंकि मैंने इसको ढक दिया था। तो गाइस अभी मैं ऊपर आया तो हमारे बर्ड की जो हालत है वो वापस थोड़ी खराब हो गई है, लास्ट टाइम जैसे आपने देखा था वैसे ही इसकी हालत आज भी है, वैसे ही हो रखी है और आप देख सकते हो कि वैसे ही कर रही है। देखिए पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कह सकते हैं या बीमारी कह सकते हैं पता नहीं, लेकिन ये अभी सेकेंड टाइम है इसका, तो मैं जितनी कोशिश हो इसको बचाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने सक्सेस मिला था मुझे, तो आई होप इस टाइम भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये सेम सिचुएशन है, सेम लास्ट के जैसे हुआ था वैसे ही है। और मैं जो भी अपडेट होगा आपको दूंगा आगे। तो मूड बहुत खराब हो रहा है यार, कल भी हमारा जो दिनेश था, दिनेश है मतलब अभी, लेकिन वो कुछ उसकी मूवमेंट्स अच्छी नहीं लग रही है, वो खाना नहीं खा रहा है अच्छे से प्रॉपरली, और जैसे कि आपने कल भी देखा और आज मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा जो बर्ड है उसको क्या हुआ है पता नहीं। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, एकदम ऑलमोस्ट वो डेड हो चुकी थी, लेकिन बाय गॉड ग्रेस वो ठीक हो गई थी, लेकिन वापस सेम उसे प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी लास्ट टाइम मैंने जो जो चीज़ें की थी वही करूँगा और इसको बचाने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं, वापस मैं वही प्रोसेस दोहरा रहा हूँ जो कि मैंने लास्ट टाइम अप्लाई की थी। अभी मैंने थोड़ी देर उसे धूप में पकड़ा है ताकि उसको हीट और यूविटेजिस मिले, तो यही किया था लास्ट टाइम और धीरे धीरे वो रिकवर हो गई थी। लेकिन अभी ठंडी का सीज़न नहीं है तो वैसे धूप से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन लास्ट टाइम इसका फ़ायदा हुआ था तो थोड़ी देर ही मैं इसको रखूँगा, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है तो हार्श सनलाइट होती है, तो थोड़ी देर काफ़ी है, उसके बाद मैं पानी पिलाता रहूँगा इसे और देखूँगा कि इसमें प्रोग्रेस है या नहीं। और क्या बोलो, तो गाइज रात के अराउंड 8:15 हुए हैं और हमारा जो दिनेश है उसने ठीक से खाया नहीं है, टुकड़े कर करके उसने नीचे फैला दिया था, थोड़ा थोड़ा ही खाया है, लेकिन स्विम तो बहुत ही प्रॉपरली कर रहा है, ऐसे कोई इशू नहीं दिख रहा है। देखिए फूड थोड़ा तोड़ तोड़ के नीचे पूरा पाउडर बना के डाल दिया है, ये देखिए नीचे सारा फैला दिया है। तो जैसे वो हाथ के ऊपर आता था वो अभी डर रहा है, देखिए मैं टैप कर रहा हूं तो डर रहा है। रिस्पॉन्स देखिए स्लो है, नहीं तो आपको उसका स्पीड तो पता है कैसा होता है, ये देखिए रिस्पॉन्स बिल्कुल ही स्लो है। तो खैर देखूंगा क्या क्या होता है, अगर आपको इसको क्या हुआ है वो पता होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है। तो गाइज अनएक्सपेक्टेड थी हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एग बाइंडिंग वही सेम प्रॉब्लम, लेकिन इस टाइम का जो एग है वो बहुत छोटा है और इसी वजह से मैंने चेक किया तब मुझे समझ में नहीं आया कि इसको एग बाइंडिंग हुआ होगा, क्योंकि एग की साइज जो है वो बहुत छोटी है और मैं समझ रहा था कि दूसरा कुछ है, लेकिन अभी मैंने उसको चेक किया और देखा तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ, तो मैंने सोचा कि इसको निकाल के देखते हैं, अगर होगा तो निकल जाएगा। तो असलियत में इसके साथ एग बाइंडिंग हुआ था, अभी उसको रिलीफ मिलेगा और देखेंगे उसकी रिकवरी कैसी होती है, क्योंकि बहुत टाइम से अभी
ये पड़ी हुई थी, अभी कॉर्नर में पड़ी हुई थी कोने में, मुझे लगा कि इसकी डेथ हो गई है, नहीं, लेकिन नहीं, सी इज अ ट्रू सर्वाइवर गाइस। देखिए गिर गया नीचे, बहुत छोटी साइज थी, बहुत छोटी साइज। और गाइस मैं अभी एक चीज करूंगा कि जो बॉक्स है, नेस्ट बॉक्स, जो नेस्ट बॉक्स है वो निकाल दूंगा, क्योंकि ये अभी इसके अंदर कैल्शियम ही नहीं है, तो मैं अंडा तो खिलाता हूँ इसे, लेकिन अभी कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रही है, इसीलिए ये प्रॉपरली एग नहीं लेकर पा रही है और इसमें एग बाइंडिंग का इशू आ रहा है। तो मैं ज्यादातर उसका जो नेस्ट बॉक्स है वो निकाल दूंगा एक महीने के लिए या 15 डेज के लिए, उसको रिकवर होने देंगे, उसके बाद नेस्ट बॉक्स ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे एग्स ले करें। और मुझे ऐसे कंपलसरी नहीं है कि मुझे एग्स चाहिए ही चाहिए, पर हेल्दी रहने के लिए इनको भी एक, इनकी भी लाइफ साइकिल होती है, तो उसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा। तो अभी मैंने इसका एग निकाल दिया है और जैसे कि मैंने बताया, ये देखिए गिर के फूट गया, तो इसके ऊपर हार्ड शेल नहीं होता है, अगर आपने पुरानी वीडियोज देखे होंगे तो इसके ऊपर हार्ड शेल नहीं होता है। तो अभी इसको रिलीफ मिलेगा और शी विल बी फाइन अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसे लग रहा है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा होगा मैंने जर्किन पहन लिया है, क्योंकि मैं ये आर्मर मेरे टीरेक्स के लिए पहन रहा हूँ और मैंने खाना भी ला के रखा है, तो मैं इसको टेम करूंगा अभी। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मैं उसको टेम करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक यू शेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी, बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।